बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा मैट्रिक्स स्पेस में नेस्टेड सीक्वेंस जो है वो सेट्स का। अब नेस्ट बेसिकली नेस्ट का मतलब है घोंसला। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि हमारा फर्स्ट सेट जो है वो काफ़ी बड़ा सेट है, ठीक है जी, A1, और नेक्स्ट सेट मज़ीद छोटा हो गया A2, फिर उससे नेक्स्ट वाला सेट छोटा हो गया, फिर नेक्स्ट वाला सेट छोटा हो गया। तो बेसिकली पहला सेट सबसे बड़ा होगा, फिर नेक्स्ट A2 जो है वो छोटा हो जाएगा A1 से। और गौर से देखें, A2 जो है वो बेसिकली A1 का सबसेट बन गया, इसी तरह A3 जो है वो A2 का सबसेट बन गया, और डेफिनेटली A1 का भी, और A4 A3 का सबसेट होगा। तो बेसिकली सेट जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, लास्ट पे जाके व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब उनका इंडेक्स वेरी वेरी लार्ज होगा, तो लास्ट पे जाके एक सिंगल पॉइंट आएगा, और हम इसी को नेस्ट बोलते हैं। तो ये होगा नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स। ओके, डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। लेट करते हैं जी A1, A2, A3, सो ऑन, AN बी सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स इन अ मैट्रिक स्पेस XD, कि ये सीक्वेंस है नॉन एम्प्टी सबसेट्स का। डेफिनेटली नॉन एम्प्टी लेने हमने, और ये किस तरह का सीक्वेंस है, सच दैट कि पहला सेट A1 सबसे बड़ा होगा, A1 बड़ा है A2 से, और A2 इज़ अ सुपर सेट ऑफ A3, A3 इज़ अ सुपर सेट ऑफ A4 एंड सो ऑन। आप डायग्राम से भी ईजिली देख सकते हो कि सबसे पहला सेट सबसे बड़ा होगा, फिर नेक्स्ट वाले सेट जो है वो सबसेट्स होते जाएंगे, मज़ीद छोटे होते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, देखें A1 बड़ा है A2 से, मीन्स के A2 छोटा है A1 से। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, इसका जो इंडेक्स है इसमें नीचे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे नीचे है 2। ओके, तो बेसिकली अगर ये नंबर छोटा है ना, तो उसका सेट बड़ा हो जाएगा। देखें 1 छोटा है 2 से, ठीक है, बेसिकली नंबर्स की मैं बात करने लगूँ, 1 2 से छोटा है, लेकिन इस 1 से जो सेट बनेगा A1 वो बड़ा हो जाएगा किससे, A2 से। तो अगर इंडेक्स छोटा है ना, तो याद रखिएगा उसका सेट बड़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने बात करनी है जनरल, अगर हम इसको क्लोज करें, AN और AN+1 में से कौन बड़ा होगा, हमने इसको खुद देखना है, जो इनमें से इंडेक्स छोटा है वो वाला सेट होगा बड़ा। तो n n+1 से छोटा है, तो AN वाला जो सेट है वो बड़ा होगा AN+1 से। आपने इस डायग्राम को भी अपने माइंड में रखना है। ओके, तो ये फर्स्ट केस, फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है नेस्टेड सीक्वेंसेस की। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ज़रा देखें कि ये जो सेट्स हैं इनका डायमीटर छोटा होता जा रहा है, मीन्स के सर्कल छोटा होता जा रहा है, तो डेफिनेटली डायमीटर भी छोटा होता जाएगा। और डायमीटर जो है, जैसे ही हमारा मतलब इंडेक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, हम वेरी वेरी क्लोज टू 0 हो जाएंगे डायमीटर के। तो डायमीटर अप्रोचेस टू 0, डायमीटर ऑफ एन अप्रोचेस टू 0 व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हैं, तो फिर हमने इस सीक्वेंस को कहना है जी, दिस सीक्वेंस ऑफ सेट्स कॉल्ड नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसे हम लोग बोलते हैं कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। तो डेफिनेटली नाम है, तो आपने इसकी स्टेटमेंट को भी अच्छी तरह से याद रखना है। A metric space XD is complete if and only if every nested sequence of closed sets has non-empty intersection. फिर से फिर नॉलेज का थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बहुत सारी लॉजिक्स हमने इसमें समझनी है, और इस थ्योरम की बेस पे आप बहुत ज़्यादा आगे कॉन्सेप्ट्स हैं। ज़रा देखिएगा कि मैट्रिक स्पेस XD को हमने कंप्लीट प्रूव करना है इफ़ एंड ऑनली इफ एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो क्यों ना हम सपोज कर लें, लेट अस सपोज दैट X इज़ कम्प्लीट। हम x को कंप्लीट सपोज करते हैं। अब हमने कंप्लीट सपोज कर लिया, तो हमने प्रूव क्या करना है कि हर नेस्टेड सीक्वेंस जो कि क्लोज सेट्स पे डिपेंड करेगी, मींस के हमने नेस्टेड सीक्वेंस खुद से एक ले लेनी है, खुद से कंसीडर कर देनी है, और वो नेस्टेड सीक्वेंस जो है उसमें सारे सेट्स हमने लेने हैं क्लोज। ये हमने खुद से एक सीक्वेंस ले लेनी है, और जस्ट प्रूव करना है कि उसकी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, मीन उन सारे सेट्स की इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगी। तो कंसीडर करते हैं हम लोग, कंसीडर A1, A2, A3, सो ऑन, AN, AN+1, सो ऑन। ओके, ये हमने एक सीक्वेंस ले लिया B, अननेस्टेड सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड सीक्वेंस सच दैट, अब यहाँ पे बताएंगे कि इनमें हर सेट जो है वो क्लोज है, सच दैट ईच AN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज क्लोज्ड।
ओके यहाँ पे लाजमी आपने बताना कि हर सेट जो है वो क्लोज है एंड ए एन जो है वो बड़ा है ए एन प्लस वन से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। हर नेचुरल नंबर के लिए ऐसा है, देखें वन और टू के लिए ए वन बड़ा है ए टू से, तो इसमें हम नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं कि अगर इंडेक्स वन और टू, अगर इंडेक्स छोटा है टू से, वन छोटा है टू से, तो वन से जनरेट होने वाला सेट ए वन बड़ा होगा ए टू से, टू छोटा थ्री से तो ए टू बड़ा होगा ए थ्री से। ओके तो यहाँ पे अगर एन छोटा है एन प्लस वन से, सिर्फ मैं एन और एन प्लस वन की बात कर रहा हूँ, एन छोटा एन प्लस वन से, तो एन से जो सेट बनेगा ए एन वो सेट बड़ा होगा ए एन प्लस वन से। ओके फॉर ऑल एन सबके लिए ऐसा होगा विद, अब डायमीटर की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दें, डायमीटर की प्रॉपर्टी बताएं बल्कि कि डायमीटर ऑफ ए एन अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो टोटल हमने बेसिकली डेफिनेशन लगा दी है किसकी, नेस्टेड सीक्वेंस की, और इसमें सारे सेट जो है वो हमने कौन से लिए हैं जी क्लोज, याद रखना है सारे सेट्स क्लोज हैं। ओके अब डायमीटर जो है वो बेसिकली है क्या, डायमीटर अप्रोचेस टू जीरो का मतलब समझते हैं हम। यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखना होगा, उस लाइन के हम बाद में डिसाइड करते हैं हमने क्या लिखना है। तो डायमीटर बेसिकली ज़ीरो का मतलब क्या है, डायमीटर होता क्या है, डायमीटर होता है जी सुप्रीमम डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसका, ए और ए डैश का, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ से लेने होते हैं हमने, इसी सेट ए एन में से। ओके डायमीटर की डेफिनेशन को रिवाइज करें तो ए ए डैश बिलोंग्स टू ए एन, ये अगर अप्रोचेस टू ज़ीरो है, डायमीटर अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये भी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ज़ीरो का अप्रोच करने का मतलब होता है कन्वर्जेंस में लेस देन एप्सिलॉन। ओके तो ऐसा होगा किसके लिए, डायमीटर के लिए, डायमीटर अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बन गई। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते थे, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट, कि ऐसा नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा कि इस नेचुरल नंबर एन नॉट से सारे बड़े नंबर्स के लिए, फॉर ऑल एन, सारे वो वाले एन जो इस नेचुरल नंबर से बड़े हैं, उन एन के लिए डायमीटर ऑफ ए एन जो है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को। ये डेफिनेशन हमने लगा दी किसकी, कन्वर्जेंस की। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखें हमने एन नॉट से बड़े नंबर्स लेने ना, तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं दो नंबर्स एम और एन किस से, एन नॉट से बड़े, खुद से हम एम एन, बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं ज़रा इस बात को भी देखते हैं। हम लोगों ने एक्स को सपोज किया हुआ है कम्प्लीट, ठीक है जी, और हमने एक्स की इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। अब कम्प्लीटनेस को यूज़ करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि हम एक्स में एक कॉशी सीक्वेंस ढूंढ लें। अगर एक्स में हमें कॉशी सीक्वेंस मिल गई तो डेफिनेटली एक्स के कम्प्लीट होने की वजह से वो कॉशी सीक्वेंस एक्स के अंदर ही कन्वर्ज करेगी, मींस के वो कॉशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो पॉइंट इस एक्स के अंदर ही होगा। तो जस्ट हमने इस एक्स में एक कॉशी सीक्वेंस खुद से बनानी है, तो कॉशी सीक्वेंस के लिए हमने दो इंडेक्स लेने हैं, डेफिनेटली दो इंडेक्स लेंगे तो कॉशी सीक्वेंस बनती है। अब देखें इंडेक्सेस के हवाले से यहाँ पे दोबारा से बात करते हैं हम लोग कि अगर इंडेक्स छोटा है तो उसका सेट बड़ा होगा, एन छोटा एन प्लस वन से, तो एन से जो सेट बनना है ए एन वो बड़ा होगा ए एन प्लस वन से। तो डेफिनेटली एम और एन दोनों जो है वो एन नॉट से बड़े हैं, तो इसका मतलब ए एम जो है वो अगर एम बड़ा है तो ए एम वाला सेट छोटा हो जाएगा ए एन नॉट से, इसी तरह ए एन वाला सेट छोटा हो जाएगा ए एन नॉट से। मैंने क्या बोला कि अगर इंडेक्स छोटा है, एन नॉट छोटा है एन से, तो एन नॉट से जो सेट बनेगा वो बड़ा हो जाएगा, और एम भी एन नॉट एम से भी छोटा है तो एन नॉट से जो सेट बनेगा वो ए एम से बड़ा होगा। तो हम ए एम में से लेते हैं एक्स एम और ए एन में से लेते हैं एक्स एन, तो डेफिनेटली दोनों ये एक्स एम ए एन नॉट में है, एक्स एन भी ए एन नॉट में, तो इसका मतलब एक्स एम और एक्स एन जो है वो किस में है जी, ए एन नॉट में है, ठीक है, और ए एन नॉट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने ये क्या बोला कि सारे वो नेचुरल नंबर्स जो एन नॉट से बड़े हैं उन नेचुरल नंबर्स के लिए डिस्टेंस जो है वो लेस देन सुप्रीमम डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर सुप्रीमम डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो तो फिर सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं वो डेफिनेटली एप्सिलॉन से छोटे ही होंगे। इस बात को ज़रा रिवाइज़ कर ले आप लोग, देखें कि एन नॉट से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन नेचुरल नंबर्स के लिए जो है वो सुप्रीमम डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से छोटा है। तो एम और एन दोनों एन नॉट से बड़े हैं, तो इसका मतलब होगा कि एन नॉट से बड़े सारे नंबर्स के लिए उन टर्म्स का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन ही होना है। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक्स एम और एक्स एन का अगर डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो सो हम कह सकते हैं जी
एक्स एन बिकम्स कॉशी सीक्वेंस इन एक्स, एक्स एम जो है या एक्स एन लिख दें या एक्स एम लिख दें वो आपकी मर्जी है, कॉशी सीक्वेंस बन गए एक्स में और डेफिनेटली एक्स हमने स्टार्ट में सपोज किया हुआ कंप्लीट, सिंस एक्स इज कंप्लीट स्पेस, सो एक्स एन कन्वर्जिस टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये डेफिनेटली कम्प्लीटनेस की प्रॉपर्टी कि एक्स अगर कम्प्लीट है तो फिर ये कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी जिस पॉइंट को, वो पॉइंट इसी एक्स के अंदर ही होगा। ओके तो ये तो हमने जस्ट कम्प्लीट की प्रॉपर्टी को यूज़ किया। अब हमारा जो टारगेट है उसको देख, हम लोगों ने बेसिकली प्रूव करना था एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, मीन्स कि ये जो नेस्टेड सीक्वेंस हमने ली हुई है क्लोज सेट्स की, क्लोज सेट्स की नेस्टेड सीक्वेंस है, हमने इन सब की इंटरसेक्शन को प्रूव करना था नॉन एम्प्टी, मीन्स कि टारगेट क्या है, इंटरसेक्शन ए एन एन फॉर्म 1 to infinity, ये हम लोगों ने नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, ये हमारा टारगेट। ओके तो अब इस टारगेट के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रूव करने जा रहे हैं ये जो पॉइंट एक्स है ये एक्स पॉइंट इस इंटरसेक्शन के अंदर होगा। ओके इस बात को देखें, हम प्रूव करने जा रहे हैं जी कि एक्स जो है वो जो जिस कन्वर्जिंग पॉइंट था वो इस इंटरसेक्शन के अंदर होगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें एन नॉट जो है वो क्या था, एन नॉट और एन में क्या लिंक था, अभी अभी हमने पढ़ा कि एन नॉट छोटा था एन से और डेफिनेटली एन जो है वो छोटा है किस से, एन प्लस वन से। तो इसका मतलब क्या होगा, देखें एन प्लस वन जो है वो बड़ा है छोटा है एन प्लस टू से और सो ऑन इसी तरह। तो हमने नेस्टेड सीक्वेंस की जो डेफिनेशन पढ़ी कि अगर एन नॉट छोटा है, हम एन नॉट की बात नहीं करते जस्ट एन की बात करते, अगर एन छोटा है एन प्लस वन से तो एन से जो सेट बनेगा वो बड़ा होगा, ए एन वाला सेट होगा बड़ा किस से, ए एन प्लस वन से, और फिर ए एन प्लस वन वाला सेट और ए एन प्लस टू इनका लिंक क्या होगा, ये ए एन प्लस वन वाला सेट बड़ा होगा। ठीक है याद रखिए, अगर इंडेक्स छोटा एन छोटा एन प्लस वन से तो ए एन वाला सेट बड़ा होगा ए एन प्लस वन से, ए एन प्लस वन वाला सेट बड़ा होगा ए एन प्लस टू से एंड सो ऑन इस तरह से। तो इसका मतलब होगा कि अगर हम इसके अंदर से पॉइंट लेते हैं एक्स एन, इसके अंदर से पॉइंट लेंगे एक्स एन प्लस वन, इसके अंदर से पॉइंट लेंगे वो होगा एक्स एन प्लस टू एंड सो ऑन इसी तरह से। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो डेफिनेटली इस सेट के अंदर तो होंगे ए एन के अंदर, बिकॉज ए एन इन सबसे बड़ा सेट है। सो अगर हम यहाँ से आगे चलें, सो एक्स एन, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू, सो ऑन, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आर ऑल इन किसके अंदर होंगे जी, ए एन के अंदर होंगे डेफिनेटली। ठीक है ये सारे के सारे पॉइंट्स ए एन के अंदर होंगे, देन एक्स एन, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू, सो ऑन, ये जो सेट बनेगा ये सेट किसके अंदर होगा जी, ये सेट ए एन का सबसेट बन जाएगा। और फिर देखें एक्स एन कह दें या एक्स एन प्लस वन कह दें कुछ भी, हमने प्रूव किया अभी अभी पीछे कि एक्स एन कन्वर्ज करता है जी एक्स को, इसका मतलब कि एक्स एन ये सीक्वेंस बन गया ना, तो इस सीक्वेंस का जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो एक्स है। ठीक है तो x इसका लिमिट पॉइंट बन गया, ठीक है जी, कन्वर्जिंग पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहते हैं ना, n अप्रोच टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करने के बाद जो पॉइंट बनेगा उसको लिमिट पॉइंट कहते हैं हम। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, इस सेट को हम नाम देते हैं, इस सेट को हम a का नाम दे देते हैं, ऑफ दिस सेट a, सो x इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ an, x an का भी लिमिट पॉइंट होगा डेफिनेटली। अब देखें फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, ठीक है जी, ये सब के लिए होगा ना, मीन्स फॉर ऑल n के लिए हमने बात की हुई है। अब ज़रा देखें कि x जो है वो अगर an का लिमिट पॉइंट है तो an क्या है बेसिकली, क्लोज, सिंस ईच an इज क्लोज्ड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, कि हर एक ए एन क्लोज है, सो एक्स बिलोंग्स टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके सर देखिएगा कि क्लोज का मतलब क्या होता है कि लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही है। अब अगर एक्स ए एन का लिमिट पॉइंट है तो ए एन क्लोज था तो एक्स ए एन के अंदर ही होगा फॉर ऑल एन। अब अगर एक्स जो है वो सब ए एन के अंदर है तो इसका मतलब एक्स जो है वो उन सब की
इंटरसेक्शन में भी होगा, एन बिलोंग्स टू एन कह दें या एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी कह दें। सो इंटरसेक्शन ए एन नॉन एम्प्टी प्रूव हो गई। अब जस्ट नेक्स्ट एक छोटा सा टारगेट मजीद, नेक्स्ट हम लोग ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इस इंटरसेक्शन में सिर्फ एक्स ओनली पॉइंट है। नेक्स्ट वी विल शो दैट एक्स इज ओनली पॉइंट इन इंटरसेक्शन एन। फॉर दिस लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए एन एंड फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ओके देखें, हमने एक ही प्रूव करना कि इसके अंदर एक ही पॉइंट है, तो हम कहेंगे नहीं इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अब अगर दो पॉइंट्स हैं तो देन इसका मतलब होगा कि एक्स वाई जो है वो ए एन में है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। देखें एक्स वाई सारी इंटरसेक्शन में है तो एक्स वाई हर एक के अंदर होंगे, इसका मतलब एक्स जो है एक्स और वाई सारे के सारे ए एन के अंदर है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई और डायमीटर ऑफ ए एन, इनमें से कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली डायमीटर बड़ा होगा, डायमीटर और दो पॉइंट्स का डिस्टेंस तो डायमीटर बड़ा होगा। अब डायमीटर जो है वो अप्रोचेज टू ज़ीरो है एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्टेंस लेस देन ज़ीरो तो नहीं होता, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। और इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि एक्स और वाई सेम ही होंगे, हमने मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा टू पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो वो दोनों पॉइंट्स सेम ही होंगे। इसका मतलब कि एक्स और वाई दो डिफरेंट पॉइंट्स थे ही नहीं, एक्स वाई सेम ही पॉइंट थे, एक ही पॉइंट था। सो हमने प्रूव कर दिया कि एक्स जो है वो ओनली पॉइंट है इस इंटरसेक्शन के अंदर, सो इंटरसेक्शन हो गए नॉन एम्प्टी। सो इंटरसेक्शन कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट। ओके अब कन्वर्स पार्ट देखें, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, अभी ज़रा स्टेटमेंट को एक दफ़ा फिर से देखते हैं। हमने स्टेटमेंट में लिखा था कि एक्स को कंप्लीट स्पेस सपोज करना है हमने, और प्रूव ये करना है एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ओके तो हमने नेस्टेड सीक्वेंस ली क्लोज सेट्स की और उसकी इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट टारगेट यह है कि हमने क्या कहना है, हर नेस्टेड सीक्वेंस जिसमें क्लोज सेट्स होंगे उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी, हमने कंप्लीट स्पेस प्रूव करना है एक्स को। तो मीन्स कि ये अब सपोजिशन होगी और हमने एक्स को क्या प्रूव करना है जी, कंप्लीट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, कन्वर्सली suppose that every nested sequence of closed sets has non-empty intersection। ओके तो हम क्या करते हैं जी, सपोज करते हैं जी कि एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स इज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, वी हैव टू शो दैट एक्स इज कंप्लीट। हमने एक्स को कंप्लीट प्रूव करना, याद रखें कंप्लीट कोई भी स्पेस प्रूव कैसे होगी, कोई भी स्पेस कंप्लीट प्रूव करने का क्या तरीका है जी, कि हम इस एक्स के अंदर एक लें कॉशी सीक्वेंस, किसके अंदर से, एक्स के अंदर से कॉशी सीक्वेंस लें, और इस कॉशी सीक्वेंस को हमने करवाना है कन्वर्ज किसी पॉइंट को, ठीक है जी, और प्रूव करना कि ये पॉइंट जो है वो एक्स के अंदर ही होगी। अगर ऐसा हमने कर दिया तो फिर प्रूव हो जाएगा कंप्लीट, या फिर हमारा एक और भी तरीकाकार था कि एक्स एन की एक सब सीक्वेंस ले लें, वो सब सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज करती है और ये एक्स के अंदर है, तो फिर डेफिनेटली एक्स एन भी एक्स को ही कन्वर्ज करेगी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा। तो डेफिनेटली हमने कॉशी सीक्वेंस को तो कंसिडर करना ही, तो एक्स को कम्प्लीट प्रूव करना है हमने, उसके लिए कंसिडर करते हैं। तो हम क्या कहते हैं जी, कंसीडर एक्स एन इज अ कॉशी सीक्वेंस इन एक्स, डेफिनेटली कॉशी सीक्वेंस है तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दें। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ओके अब एप्सिलॉन बेसिकली कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है ना, तो हम खुद से चूज करते हैं, टेक एप्सिलॉन में ले लेता हूँ वन ओवर टू, देन for this epsilon we find a natural number say n1 such that
डिस्टेंस ऑफ एक्स एन एंड एक्स एन वन लेस देन दिस एप्सिलॉन मीन्स वन ओवर टू फॉर ऑल एन वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ज़रा देखिए इस डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा से। अगर मैं एप्सिलॉन चेंज करता हूँ मीन्स वन ओवर टू, तो डेफिनेटली एप्सिलॉन के लिए हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो फर्ज करते हैं कि इस एप्सिलॉन के लिए हमें जो नेचुरल नंबर मिलेगा उसका नाम हमने रख दिया एन वन, और डेफिनेटली फिर होगा क्या कि एक्स एन जो हमारी टर्म थी और फिर इस एक्स एन वन का डिस्टेंस जो है वो लेस देन होगा चूजन एप्सिलॉन वन ओवर टू से फॉर ऑल एन वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि जैसे ही आप एप्सिलॉन को छोटा करते जाएं, मींस डिक्रीज करते जाएं, एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा तो नेचुरल नंबर जो है वो बड़ा होता जाएगा। ये कैसे समझना है हमने, देखिए एप्सिलॉन अगर आप छोटा करते जाते हैं तो मीन्स रेडियस छोटा होता जाता है, तो हमें जो नेचुरल नंबर मिलेगा वो काफ़ी आगे जाके मिलेगा। ये डेफिनेशन हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में, काशे सीक्वेंस की डेफिनेशन में। तो इस बात को ज़रा एक दफ़ा रिवाइज करें कि अगर एप्सिलॉन आप छोटा करते जाएँ तो नेचुरल नंबर हमारा बड़ा होता जाएगा, मीन्स कि आगे जाके हमें मिलेगा, ठीक है, बहुत आगे जाके। तो यही हम बात करें यहाँ पर कि जो नेचुरल नंबर मिलेगा वो बड़ा होगा पिछले नेचुरल नंबर एन नॉट से, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं दो लाइंस की जगह छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू वन ओवर फोर, मीन्स अगर मैं एप्सिलॉन को मज़ीद हाफ कर दूँ, वन ओवर फोर कर दूँ, देन से एन टू बी नेचुरल नंबर फॉर दिस एप्सिलॉन सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स एन वन जो प्रीवियस नंबर था और एक्स एन टू जो है वो लेस देन होगा चूजन एप्सिलॉन वन ओवर फोर से फॉर ऑल एन टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन वन। अब देखें कि नेक्स्ट वाला जो हमने नेचुरल नंबर चूज़ किया वो डेफिनेटली बड़ा होगा, एप्सिलॉन अगर छोटा कर दिया तो नेचुरल नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन अगर आपने चूज़ किया वन ओवर फोर तो नेचुरल नंबर एन टू पिछले नेचुरल नंबर से बड़ा होगा, ओके। तो फिर एक्स एन वन जो प्रीवियस टर्म थी एक्स एन वन उसका और एक्स एन टू इसका डिस्टेंस जो है हमने देखना है, ठीक है, गैप नहीं देना, एक्स एन और एक्स एन वन, फिर एक्स एन वन और एक्स एन टू इनका डिस्टेंस इस चूजन एप्सिलॉन से भी लेस होगा, ओके। तो हमने यहाँ पे जो जगह छोड़ी इसका हम क्या करते हैं, ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पे एक बॉल कंसिडर करने लगे हैं जी, कंसिडर अ क्लोज्ड बॉल बी, एक क्लोज बॉल में लेने लगा हूँ, इस बॉल का सेंटर में यही रखने लगा हूँ जी एन वन एक्स एन वन वाला सेंटर, और रेडियस में रखूँगा ये जो एप्सिलॉन चूज़ किया इसका डबल, तो वन ओवर टू जो एप्सिलॉन हमने चूज़ किया है यहाँ पे देखें, वन ओवर टू जो एप्सिलॉन चूज़ किया इसका डबल होगा वन। ये मैंने एक क्लोज बॉल खुद से ले ली, ठीक है, खुद से क्लोज बॉल बना लेनी है, एंड से बी, इसको आप बी वन का नाम दे दें, बल्कि एक्स एन वन हमने नाम दिया है ऑलरेडी, बॉल एक्स एन वन और रेडियस वन, इसका हमने नाम रख देना है जी ए वन। फर्स्ट सेट हमारा बन गया जो कि क्लोज बॉल है, और डेफिनेटली क्लोज बॉल क्लोज सेट भी तो होगा, तो इसको हमने ए वन का नाम दे दिया, ओके। अब इसी तरह अगर आप एप्सिलॉन को मज़ीद छोटा करते हो तो उसके लिए नेचुरल नंबर एन टू मिलेगा, तो इनका डिस्टेंस लेस देन वन ओवर फोर, हम यहाँ पे क्लोज बॉल कंसिडर करते हैं जी, कंसिडर क्लोज बॉल बी, क्लोज बॉल इसका सेंटर में रखूँगा एक्स एन टू, और रेडियस रखेंगे इस एप्सिलॉन का डबल, मीन्स वन ओवर फोर का डबल बनेगा वन ओवर टू, एंड से हम इस बॉल का नाम रखेंगे ए टू, इस बॉल का नाम ए टू रख देंगे, एक्स एन टू, और रेडियस कितना वन ओवर टू, ओके। तो अब ज़रा गौर से देखना, हमने देखें इस बॉल का रेडियस जो था, इस बॉल का रेडियस है कितना वन, ओके, और फिर जो हमने नेक्स्ट वाली बॉल बनाई इसका रेडियस है वन ओवर टू। तो ये सिचुएशन बेसिकली कैसी है कि अगर हम इसको रियल लाइन पे बना के समझने की कोशिश करें, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक फ़र्ज़ करें ये रेडियस है हमारा इस बॉल का वन,
ठीक है, और ये हाफ़ का मतलब है कि इस बॉल का रेडियस हाफ हो जाएगा, मीन्स के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ़ हो जाएगा 1/2, या फिर यहाँ से यहाँ तक कह दें, वो जस्ट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ हो सकता है कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक फर्स्ट बॉल B1, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड बॉल हो जाए B2। तो बेसिकली हम ये सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसी तरह से जो हम बॉल बनाएंगे वो इस तरह से इसी के अंदर आएगी, जो कि इसके भी मज़ीद रेडियस का हाफ हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली A1 और A2, इसमें से बड़ा कौन होगा? देखें A1 जो है उसका रेडियस है 1, तो ये बाहर वाली बॉल है A1 वाली बॉल, और अंदर वाली बॉल है A2, तो डेफिनेटली बाहर वाली बॉल जो है वो बड़ी है। ज़रा गौर से देख लें, ये बाहर वाली बॉल है A1 और अंदर वाली बॉल है A2, तो बाहर वाली बॉल बड़ी है तो A1 वाली बॉल बड़ी होगी। ठीक है जी, तो A1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा A2 से, तो मीन्स A1 बड़ा सेट बन गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड क्लोज्ड सेट्स, हम इसी तरह से काफ़ी सारे क्लोज सेट्स बना सकते हैं जी, A3 A4 A5 सो ऑन, सच दैट, इस तरह से क्लोज सेट्स बनाने हैं हमने कि A1 जो है वो बड़ा होगा A2 से, और A2 बड़ा होगा A3 से, इसी तरह से A3 बड़ा होगा A4 से, और सो ऑन। ठीक है जी, इस तरह से हमने क्लोज सेट्स बना देने हैं। और ये क्लोज सेट्स जो है हम इनको कैसा नाम देना चाह रहे हैं? हम इनको नाम देना चाह रहे हैं जी AK, जिसमें हमने बॉल को नाम दिया है XNK, और रेडियस ज़रा हम सोच लेते हैं कितना है। देखें A2 में हमने क्या नाम रखा बॉल का? XN2, और इसी तरह A1 में हमने बॉल का नाम रखा, A1 में हमने बॉल का नाम रखा है जी XN1, यहाँ पे देखें। तो इसी तरह फिर AK में हम बॉल का नाम रखेंगे B क्लोज बॉल XNK। अब रेडियस के बारे में देखें कि रेडियस हम सोचते हैं कि किस तरह से हमने फिक्स किया हुआ। A1 में हमने रेडियस फिक्स किया 1, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 1-1। ठीक है, यहाँ पे 1/2 की पावर 1-1 हम इसको कह सकते हैं जी। तो इसी तरह यहाँ पे अगर A2 है तो A2 में हम बॉल का रेडियस किस तरह से 1/2 को लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2-1 मीन्स 1/2। तो इसी तरह से AK में XNK में 1/2 की पावर K-1, तो मीन्स जोन सी बॉल है अगर kth बॉल है तो हमने उसका रेडियस चूज़ किया 1/2 की पावर K-1, तो सब में से -1 होगा, उसका नंबर फिक्स है। ओके, तो ये हमने क्लोज बॉल्स चूज़ कर ली। आप देखें ज़रा कि ये इसका है रेडियस, तो इसका डायमीटर क्या होगा? 2 times radius, तो मीन्स 2/2 की पावर K-1, ये इसका डायमीटर बन गया। और अगर आप K अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देखें तो ये डायमीटर जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, 2/2 की पावर K-1 अप्रोचेस टू ज़ीरो डेफिनेटली। इट मीन्स दैट क्लियरली डायमीटर ऑफ AK अप्रोचेस टू ज़ीरो एज K अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे आप K को बढ़ाते जाएंगे इसका डायमीटर जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब बेसिकली हमने क्या किया, देखें हम लोगों ने जो सपोज़ किया हुआ था वो सपोज़ क्या था, हमने सपोज़ किया था कि एवरी नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स, कि हर नेस्टेड सीक्वेंस जो क्लोज सेट्स पे डिपेंड करती है उसका उनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगी, हमने सपोज़ किया हुआ है। तो ये सपोजिशन को हमने यूज़ करना था, तो उसके लिए हमने ख़ुद से एक सीक्वेंस बना ली। कैसी सीक्वेंस? नेस्टेड सीक्वेंस बना लीजिए क्लोज सेट्स की, तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो डेफिनेटली अब हम यूज़ कर सकते हैं नॉन एम्प्टी बाय सुपोजिशन। इंटरसेक्शन AK फ्रॉम 1 to infinity, ये जो है इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगी। ठीक है जी, अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो देन लेट करते हैं हम लोग इस इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट x कह दें, हम इस इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट ले लिया, इसका मतलब होगा कि अगर x इंटरसेक्शन में है तो x होगा AK में फॉर ऑल K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, K बेसिकली नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो X हर एक K में होगा, तो AK बेसिकली क्या है? AK बेसिकली जो हमने बॉल अभी अभी बनानी कंसिडर की, ये बॉल थी, तो बेसिकली ये बॉल है XNK,
और 1 ओवर 2 की पावर k माइनस 1। ओके, तो x अगर इस बॉल के अंदर है तो x इस बॉल के अंदर होने का मतलब क्या है जी? x इस बॉल के अंदर होने का मतलब है डिस्टेंस ऑफ x एंड x एंड k लेस देन 1 ओवर 2 की पावर k माइनस 1। अब x एंड k और x का डिस्टेंस लेस देन है 1 ओवर 2 की पावर k माइनस 1। अब ज़रा चेक करें, एज k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डिस्टेंस ऑफ x एंड k एंड x जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो, अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स लेस देन एप्सिलॉन। अब इस बात का मतलब क्या बनता है ज़रा इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि x एंड k और x का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, सो x एंड k कन्वर्जिस टू x, x एंड k बेसिकली x को कन्वर्ज करती है। और x एंड k बेसिकली क्या है, x एंड k जो है वो x n की सब सीक्वेंस है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x n k इज सबसीक्वेंस ऑफ x, सो x n कन्वर्जिस टू x इटसेल्फ। याद रखिएगा काशी सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि अगर उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है जिस पॉइंट को, तो सीक्वेंस खुद भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। तो x n कन्वर्ज करेगी x को। ऑल्सो जस्ट ये बात बता दें कि x बिलोंग्स टू a n था, ए के था, ए के एक्स का ही सबसेट है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स तो ऑलरेडी है। देखें एक्स बिलोंग्स टू ए के, ए के क्या है बेसिकली, एक्स के सबसेट्स थे जो हमने खुद से बनाए। तो एक्स अगर ए के में है तो ए के एक्स का सबसेट है, तो एक्स एक्स के में भी होगा। तो प्रूव क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं जी सिंस एक्स एन कन्वर्जिस टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कि एक्स एन हमने कैपिटल एक्स में कॉशी सीक्वेंस ली थी, कॉशी सीक्वेंस एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, वो पॉइंट एक्स के अंदर है, सो हम कह सकते हैं जी एक्स इज़ कंप्लीट। तो ये हमारा कंप्लीट थ्योरम प्रूव हो गया।